मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कम्प्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, वन रक्षक की नई भर्ती आ चुकी है, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए नई भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आई हुई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप कम से कम 10वीं पास है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है 1000 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और अगर आपके कम से कम 150 सेंटीमीटर है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती की सबसे बड़ी बात होगी, इसमें आपको जो अपना आवेदन फिल करना है, केवल और केवल आपका यहाँ पर ऑनलाइन मोड से इस भर्ती में आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस प्रकार डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखेगा, आपको यहाँ पर सभी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे फास्ट अपडेट मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट वैकेंसी हुई, लेटेस्ट नोटिफिकेशन हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, सिलेबस की आपको यहाँ पर जानकारी समय समय में सबसे पहले दी जाती है। तो हो सके तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टोटल आपको यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी दी गई है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो वैकेंसी होगी 1041 वैकेंसी होगी, और फॉरेस्टर के लिए आपको यहाँ पर 87 वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती में आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग डिटेल होना अनिवार्य है। जो मेल कैंडिडेट होगा, उनकी जो हाइट रहेगी 163 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूँगा कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपकी चेस्ट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 84+5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य है। जो आपके यहाँ पर सेटअप्स रहेंगे, एक मिनट में आपको यहाँ पर 25 लगाने होंगे। जो बॉल थ्रो रहेगी, क्रिकेट की बॉल होगी, उसको 25 मीटर आपको यहाँ पर फेंकना अनिवार्य है रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट रहेगी 79+5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जंप रहेगा 1.35 मीटर रहेगा, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जो आपका शॉट पुट रहेगा, उसमें आपको 4.5 मीटर आपको यहाँ पर वो फेंकना होगा, यानी गोला फेंक आपका यहाँ पर रहेगा। जो गोला होगा वो यहाँ पर 4 किलो का रहेगा। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, वैसे तो दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग रहेगी। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन में ही बता पाऊंगा, लेकिन आपको जो यहाँ पर सैलरी मिलेगी 5200 से लेकर 14200 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा। काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। फॉरेस्टर वैकेंसी के लिए जो आपकी एज रहेगी 18 ईयर से लेकर 40 के बीच में होना अनिवार्य है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 24 के बीच में आपकी एज होना अनिवार्य है। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 तक की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी को आपके इन्हें तो 18 से कम हो, ना 40 से ज़्यादा हो। अगर आप SST कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी। OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती के फिजिकल डिटेल मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दौड़ रहेगी, यानी कि जो आपको यहाँ पर रनिंग करनी होगी, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए अलग अलग रहेगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो रहेगी 25 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 4 घंटे का समय मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 16 किलोमीटर के लिए 4 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। दौड़ रहेगी, आप यहाँ पर इसको चलकर या फिर दौड़कर कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, बस आप इसको कंप्लीट आपको करना होगा। अगर आप इस भर्ती के हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। फॉरेस्टर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास रहेगा। और जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी होगी, इसमें केवल और केवल 10वीं पास से आवेदन कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया, आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट किया है, तो आप इस भर्ती में आवेदन
कर पाएंगे। अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, फोटो सिग्नेचर, जो आपके पास फोटो होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है, एजुकेशन सभी डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य रहेगा। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 22 जनवरी 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, आप यहाँ से आवेदन भी कर पाएंगे। अब से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है किस प्रकार से आवेदन करना है, उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, आप वहाँ से भी इस वीडियो का आवेदन कर पाएंगे। अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप वीडियो इन हिंदी, आप यहाँ से वो वीडियो देख पाएंगे किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। ग्रुप आप हमारे यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसके जो यहाँ पर आपका फिजिकल डिटेल होगी उसके बारे में आपको यहाँ पर बताएगा, जो आपकी हाइट रहेगी 163 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट रहेगी उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। सामान्य के लिए कितनी रहेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। 84+5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य है, नहीं तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। इसमें आपको यहाँ पर दौड़ के लिए भी बताया गया, कितने आपके यहाँ पर खड़ी कूद रहेगी, कितने आपको यहाँ पर अदर डिटेल रहेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। आयु सीमा जो आपके काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 तक की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी को आपकी एज 18 से कम नहीं होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। जो वैकेंसी निकाली गई है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर करना होगा, जो इस भर्ती का आवेदन शुल्क रहेगा, यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस देना होगा उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 450 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पर पे करना होगा, और SST फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पर पे करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी मिलेगी 1128 वैकेंसी दी गई टोटल। ऑनलाइन आवेदन आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।